हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है से तो अगर हम बात करें कार ट्रेड की तो अगर हम देखें ना तो यहाँ पर ये यह जो शेयर है 21 या 22 परसेंट कह सकते हैं कि ये यह शेयर यहाँ पर गिर चुका है ट्वेंटी परसेंट गिर जाना इस शेयर का ओके लोगों के दिलों में धड़कने पैदा कर रहा है ओके okay, uh, और अगर हम बात करें मैंने आपको यहाँ सजेस्ट किया था उसके बाद फिर गिरता हुआ नजर आया नो इशू यहाँ पर घबराना है डरना है बेचना है बेचना क्या करना है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे ओके okay, और जानेंगे कि क्या कहते हैं ये शेयर को अभी यहाँ पर निकाल देना चाहिए क्योंकि ये कंटिन्यूटी के साथ गिर रहा है आपके इन्हीं सवालों को यहाँ पर जवाब दूंगा ओके okay, और आप खुद डिसाइड करना और आज का वीडियो देखने के बाद ना वेन वेन एवर लाइक ट्रैप इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन तो मुझे नहीं लगता आपको किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत होगी आप

भी स्टडी करनी है 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 प्लेलिस्ट को 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 करना करना दूसरी वीडियोस को जाके देखना है। ओके हमारे सप, सपोर्ट करना है जितना हो हो सके बाकी कोई क्वेरीज तो कमेंट करिए किसी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कराना अबाउट में यहाँ पर आप जाएंगे और नीचे पर जानते हैं तो हम बात करने वाले कार्ड रेड की कार्ट रेट देखिए यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है ओके okay, कल हमने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर खरीदने का मौका है फिर यहाँ पर आज की डेट में दो परसेंट गिर गया है और शायद कल भी यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आए क्योंकि अगर हम बात करें मार्केट की तो मार्केट में सेंटिमेंटल थोड़ा ठीक नहीं है और यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है बट अगर हम देखें ना दूसरे शेयरों के कंपेयर में ये शेयर थोड़ा सा कम ही गिरता हुआ नजर आया है कह, टू परसेंट कहाँ पर दूसरे शेयर पांच पांच चार चार परसेंट गिरते हुए नजर आए और यहाँ पर ये शेयर गिर रहा है ओके अभी तक गिर रहा था एक चाल थी, अभी गिर रहा है यहाँ पर एक तरीके का अगर हम बात करें मार्केट में गिरावट है इस वजह से और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट ये शेयर गया है अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना एक दिग्गज इन्वेस्टर ओके यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे वॉरेन बफेट की वॉरेन बफेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है ओके okay, इनके बारे में आपको सबको पता है आप लोग इनके कोट पढ़ते हैं ओके okay, इनसे सीखते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट कोट को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है आ, क्या करना चाहिए तो यहाँ पर इनके कोट आपको एक रिलैक्सेशन देते हैं इनके अलग अलग कोट आप जाके पढ़िए देखिए तो आपके माइंड थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देगा आ, कि किस तरीके से आप एक लूजर से सक्सेसफुल इन्वेस्टर की तरफ यहाँ पर आ, बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर देखिए इनके दो तीन कोट है सबसे पहला तो कोट यही है ओके okay, जब भी कोई चीज यहाँ पर गिर रही हो ना ओके एट दैट मोमेंट यहाँ पर खरीदना चाहिए ओके okay, और जब यहाँ पर लोग फियरफुल हो तब यहाँ पर बाइंग करनी है जब लोग यहाँ पर ग्रीडी हो ओके okay, तब यहाँ पर आ, uh, सेल करना चाहिए तो हमेशा इस चीज को याद रखिए तो यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर डरे हुए हैं ओके okay, फियरफुल है तो यहाँ पर क्या करना है खरीदना है तो पहला कोर्ट दूसरा कोर्ट इनका क्या है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को तो रहा तो तो हूं आपने इसमें कितना लगाया होगा अपने पोर्टफोलियो का शायद आपने अपने पोर्टफोलियो का इस पर्टिकुलर शेयर में दस परसेंट लगाया होगा पांच परसेंट लगाया होगा अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं फॉलो करते हैं हमें तो आपको पता होगी आपने इतना पैसा नहीं लगाया होगा बट अगर आप Uh, कोई uh, किसी और को फॉलो करते हैं या फिर आप जिस तरह फॉलो करते हैं डजेंट मैटर बट अगर हम यहाँ पर बैठ uh, बात कर रहे हैं कि आपने ग्रीडी ही होके यहाँ पर शेयर खरीद लिए होंगे uh, पास आपके पास एक लाख सपोज दैट आपके पास एक लाख रुपए और एक लाख रुपए में से आपने अस्सी हजार रुपए इसी शेयर में लगा दिए होंगे तो फिर आपको डरना चाहिए क्योंकि आप एक गलत वे में हो आप एक गलत तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो का हमेशा याद रखिए आपको थोड़ा ही पैसा लगाना है इतना पैसा लगाना है कि कल को ये शेयर अगर गिरता भी है ना तो आपको डरना हो और फिर अगर ये शेयर आपको बिलीव है कि अच्छा शेयर और अच्छा खासा से करेक्ट हो गया है तो आपने यहाँ पर अगर अपने पोर्टफोलियो का दो तीन पोर्टफोलियो का एक, यहां, एक, यहां कर -कर के यहां एक लगा सकते और जब शेयर भागता देगा, तो आपको एक अच्छा तरीके से शेयर आपको अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा तो कभी भी याद रखिए कहा है फिफ्टी डाउन ना देख सके अपने पोर्टफोलियो को तो आपको मार्केट में रहने का यक नहीं है तो अगर आप मार्केट में डरते हैं ओके okay, तो फिर कोई बात ही नहीं है फिर तो कहना ही क्या है बट अगर हम बात करें यहाँ पर आप मार्केट में डट सकते हैं मार्केट में अगर हम फॉलो करते हैं देखिए ऐसी ऐसी वीडियोस मैंने आपको बताई है और बना के यहाँ पर दी है कि यहाँ पर गिरे हुए शेयर यहाँ पर भागे हैं बट उसे टाइम देना पड़ता है अच्छा स्टॉक्स है इसमें बीस गिर गया है पच्चीस गिर गया है क्योंकि काफी लोगों के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे ओके काफी लोगों को मैं यहाँ पर देख भी रहा हूँ कि कार ट्रेड में इन्वेस्ट कर किया हुआ है ओके यहाँ से और ये गिरता हुआ नजर आ रहा है तो सब चीज का आंसर यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा डोंट बड़ी बट अगर हम यहां पर बात करें कभी भी अपने इन अपने प्रिंसिपल्स को याद रखिए देखिए मैंने भी यहां पर इन्वेस्ट कर रखा है ओके मैंने यहाँ नहीं मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था बट स्टिल यहाँ पर 1400 के आसपास का यहाँ पर लेवल है राइट तो यहां पर मैंने भी इन्वेस्ट किया मैंने यहां पर अगर बात करें कल की डेट में भी इन्वेस्ट किया था मैंने बीच में ये शेयर आया था यहां से यहां पर भी मैंने इन्वेस्ट किया था तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैंने इसमें इतना ही पैसा लगा रखा है कि कल को ये और भी ज्यादा गिरता है ना तो यहाँ पर बाई ऑन डिप्स कर सकता हूँ दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये जो शेयर यहाँ पर बाइंग किया है ना तो कुछ बेसिस पे बाइंग किया है मैंने इस बेस पे बाइंग किया है मुझे पता है ये शेयर ऊपर जाना है थोड़ा सा वेट करूंगा ओके okay, मैंने यहां पर दूसरे शेयर्स की हिस्ट्री देख रखी है ये शेयर की हिस्ट्री देख रखी है तो ये शेयर थोड़ा टाइम जरूर लेगा थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है तो so, सबसे पहले कभी भी गिरावट हो तो so, आंख बंद करके यहाँ पर uh, बेकार शेयर है पहले या अच्छा शेयर है ये आपको एनालाइज करना होगा ये जो शेयर है ये बेकार शेयर नहीं है ये अच्छा शेयर है ओके okay, तो पहली बात दूसरी बात पर देखिए हमारे कुछ पैरामीटर होते हैं सबसे पहले तो हम आर एस आई देखते हैं आर एस आई देखिए यहाँ पर ट्वेंटी सेवन की आर एस आई है यहाँ पर देख सकते हैं आप तो RSI पर बाइंग सिग्नल सिग्नल दे रही है इसके बाद अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉग शेयर है दूसरा यहाँ पर नीचे लेवल पर शेयर आ गया है ऑलरेडी पच्चीस से इक्कीस बाईस परसेंट टूट चुका है तो ये बाइंग का लेवल है यहाँ पर सेलिंग का लेवल नहीं है यहाँ पर आप सेल कर देंगे ना सेल कर दीजिए यहाँ पर देखिएगा कुछ दिन बाद ये शेयर भागेगा और अभी आप यहाँ पर इक्कीस परसेंट का लॉस देख रहे हो और जब यहाँ पर से

ओके okay, थोड़ा और गिर जाए कोई इशू नहीं है बट अगर यहाँ पर हेड बनाएगा ऊपर जाएगा फिर उसके बाद ऊपर जाके इस तरीके के रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर की तरफ निकल सकता है तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये शेयर ऐसे ही करते हैं और कोई भी न्यू लिस्टिंग होती है ना तो कम से कम हमें उसे छह महीने देने चाहिए कितने महीने छ महीने छ महीने से पहले अगर आप सोचेंगे कि हमें अच्छे शेयर अभी आया है मार्केट में वो तुरंत ही रैपिड की तरह भागेगा ओके तो ये थोड़ा कोई कोई शेयर भाग जाते हैं कोई कोई शेयर होते हैं कि थोड़ा सा हमें परेशान करते हैं उसके बाद

पॉजिटिव पॉइंट्स है जब भागना शुरू करेगा तब खुद पता चल जाएगा का कितने रुपए पे चल रहा है शेयर शेयर चल रहा है बारह सो सड़सठ सड़ पे इंटरेंसिंग वैल्यू देखिए तेरह सौ अट्ठाईस वैल्यू है सेम उसी पे पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है रिजल्ट अभी आए नहीं है एक बार रिजल्ट आ जाएंगे तो और आइडिया लग जाएगा कि हमने अच्छा शेयर खरीदा है कि बेकार शेयर खरीदा है सेल्स की बात करें सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं हमेशा बढ़ती हुई नजर आ रही है दो में तेईस करोड़ था दो में यहाँ पर एक था इसके बाद यहाँ पर गिरावट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और यहाँ पर देखिए फिर भी तिरानवे करोड़ की सेल्स जहां प्रॉफिट यहाँ पर नेगेटिव में था वो प्रॉफिट यहाँ पर सेवेंटी

तो वो फिर वो बेबकूफी है मुझे पता है देखिए इतने सारे स्टॉक्स में अभी भी आपको गिना सकता हूं। चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये यह देखिए ये यह स्टॉक्स यहाँ पर एंड पेमेंट पर सोलह सौ सत्तर पंद्रह शेयर चल रहा है मुझे पता है ग्यारह सौ रुपये का लेवल टच करेगा और ये बारह सौ रुपये तक का लेवल टच करेगा इस बार जब ये भागेगा बट मैंने इसमें इतना ही पैसा लगा रखा है ओके मेरे को पता है फिर भी मैंने इतना पैसा लगा रखा है कि यहाँ पर का पैसा मेरा धीरे धीरे बनता रहे और ज्यादा यहाँ पर लालच ना हो ओके ग्रीड ही नहीं होना है यहाँ पर आ, ये बारह सौ का लेवल आएगा डेढ़ सौ रुपये मिल जाएंगे इसका मैं सौ शेयर खरीद लेता हूँ मैं दो सौ शेयर खरीद लेता हूँ मेरे को अपने पोर्टफोलियो का केवल चार परसेंट या पांच परसेंट हिस्सा ही यहाँ पर देना है मैक्सिमम अगर मैं बुलिश हूँ तब अगर मैं बुलिश नहीं हूँ तब भी मेरे को दो तीन का हिस्सा देना है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको काम करना है तो और भी बहुत सारे शेयर है जो नाम बता सकता हूँ देखिए कैंप्स के बारे में बताया कैम्प मैंने इकतीस सौ भी लिया था चार गया फिर दोबारा मैंने यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है फिर मैंने यहाँ पर कल के दिन में बाइंग करी आज के दिन फिर भागता हुआ नजर आया मुझे पता है यहाँ पर अठारह यह परसेंट नहीं ये एक सौ अठारह देगा थोड़ा सा करूंगा तो बट स्टिल मैंने उतना ही पैसा लगा रखा है जितना यहाँ पर आ, मैं यहाँ पर मैं टॉलरेट कर कि नीचे आएगा तो मेरी धड़कन बढ़ेगी और दूसरी बात फंडामेंटली स्ट्रॉग शेयर है मुझे पता है ये शेयर भागेंगे तो थोड़ा सा समझदारी से यहाँ पर काम लेना है और बाकी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है इस वीडियो को लाइक करे कमेंट करे और अपने डर को भगाए और यहाँ पर स्टे इन्वेस्टेड रहे और अच्छे शेयरों में रहे सो थैंक यू सो मच गॉर्ड ब्ले